In this lecture, our target is to make the phasor diagram of a non-ideal single phase transformer. So before making the phasor diagram, we should know the exact equivalent circuit of a transformer. And based on that, we will write the mathematical equations, right? So in the last class, we had studied how to make the exact equivalent circuit. We start with an ideal transformer. So this is the symbol of an ideal transformer. It simply means that ki agar ek taraf number of turns n1 hai aur dusri winding mein number of turns n2 hai, first winding mein jo induced emf hai, that is being shown as e1, aur dusri winding mein jo induced emf hai, that is being shown as e2. So ideal transformer simply means that this e1 by e2 is equal to n1 by n2. तो अब इस आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो नॉन आइडियलिटीज हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स. और ये भी हमने देखा था जो रेसिस्टेंस है ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग, दैट इज शोन हियर एज स्मॉल R1. सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है दैट इज शोन हियर एज स्मॉल R2. प्राइमरी साइड में जो लीकेज होगा फ्लक्स का, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम एक इंडक्टर यहां पर बनाते हैं जिसका रिएक्टेंस जो है उसको हम स्मॉल X1 कहते हैं, विच इज कॉल्ड द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी साइड. और हमें एसी सर्किट एनालिसिस से हमें पता है कि दिस रिएक्टेंस शुड कम विद जे, राइट? सो जे हियर इज रूट ऑफ -1. The supplied voltage is shown as capital V1 bar. So this is the series part of the primary winding. Secondary winding में जो flux का leakage होगा उसको show करने के लिए once again हमने यहाँ पर एक reactance show किया है as X2 which is multiplied with J. Secondary side में there is an AC load which I am showing with a black box. Load ke paas jo available voltage hai, we are showing it as V2. Primary side mein jo winding mein current flow ho raha hai, that is being shown here as capital I1. Secondary side mein jo current flow ho raha hai, usko hum show kar rahe hai as capital I2. तो हमने दो नॉन लिनियरिटीज यहां दिखा दी, रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग एंड लीकेज ऑफ फ्लक्स. कोर के बिहेवियर को मॉडल करने के लिए हम यहां पर एक शंट में ब्रांच लगाते हैं विद वन रिएक्टेंस एंड वन रेसिस्टेंस. दिस रेसिस्टेंस इज RC, जो कोर लॉस कॉम्पोनेंट्स हैं, पावर का जो कोर लॉस कंपोनेंट है उसको मॉडल करने के लिए पावर लॉस का कंपोनेंट, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज IC. इसी तरह से मैग्नेटाइजेशन के लिए जो कंपोनेंट है उसको हम एक रिएक्टेंस से शो कर रहे हैं कैपिटल XM. द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग करंट IM. इन दोनों का जो सम है उसको हम नो लोड करंट कहते हैं I0. और इस जंक्शन में देखें I1 इज इनकमिंग, I0 इज आउटगोइंग. जो पार्ट इस आइडियल ट्रांसफॉर्मर वाले कंपोनेंट की तरफ जा रहा है उसे हम कहते हैं I1 डैश. तो आइडियलिटी का मतलब यहां पर यह भी है कि दिस विल बी इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल proportionality with the current, right? So this will be equal to I2 by I1 dash, the magnitude of these two currents. So this is the exact equivalent circuit diagram of a single phase non-ideal transformer. Now let us write the mathematical equations based on this diagram for both primary as well as the secondary side.
लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंडरी साइड. सेकेंडरी साइड में हम केवीएल अप्लाई करेंगे और ऑफ कोर्स यहां पर जो वोल्टेज है दैट इज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, विच मीन्स दैट द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज इज चेंजिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजिंग. लेकिन फेजर के टर्म्स में इक्वेशंस को लिखने के लिए हम यहां पर मानेंगे कि ये जो एरो हेड है दैट इज एट हायर पोटेंशियल एंड द टेल इज एट लोअर पोटेंशियल. सो लेट अस राइट द एक्सप्रेशन फॉर केवीएल एट द सेकेंडरी साइड. सो द इक्वेशन विल बी माइनस ई टू बार प्लस आई टू मल्टीप्लाइड विद जे एक्स टू प्लस आई टू मल्टीप्लाइड विद आर टू प्लस वी टू बार एंड दिस इक्वल्स जीरो. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ क्वांटिटीज इन द फेजर डायग्राम. सो आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन एज ई टू equals V2 plus I2 R2 plus J I2 into X2, right? Similarly, we write the equations for the primary side. So in the primary side, I am using this loop for writing the equation. So this is the supply voltage V1. So once again, I follow the same convention. So the equation will be minus V1 bar plus I1 R1 plus I1 into JX1. Then we come to this ideal transformer part. So this is plus, but the voltage is minus E1 bar and this equals zero. So once again, this is an extremely important equation. So I write it as V1 bar equals minus E1 bar plus I1 into R1 plus J I1 X1. Now here I1 can be expressed in terms of I0 and I1 dash. So wo relationship hame KCL apply karke mil raha hai. So this equation is I1 bar and that is equal to I0 bar plus I1 dash bar. Yahan par hame ye bhi malum hai ki jo ye do components hain, ek hai I0 बार और एक है आई वन डैश. इनके लिए भी हमें एक्सप्रेशन पता है. दिस आई नॉट बार इज इक्वल टू आई सी बार प्लस आई एम बार एंड आई वन डैश कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द सेकेंडरी द करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट? और ये हमें पता था जो हमने कॉन्स्टेंट फ्लक्स थ्योरी पढ़ा था उससे. तो रिलेशनशिप क्या था? आई वन डैश के कारण जो एम एम एफ है यानी N1 into I1 dash is equal and opposite to the MMF due to I2 in the secondary side. So this is I2 into N2, I2 into N2 and this is equal and opposite. So I have this relationship as I1 dash equals minus N2 by N1, जिसको हम transformation ratio कहते हैं, into I2. तो ये जो equations हैं, equation number 1, equation number 2, 3, this is 4 and this is 5. ये पांच equations मिलाकर mathematical model of a non-ideal transformer बनता है. और इन equations की help से we can write the phasor, we can draw the phasor diagram of this transformer. Okay, so let us quickly समराइज दिस इक्वेशंस. ये हम याद कर लें हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा. ऑफ कोर्स याद नहीं भी करते हैं तो हम इक्विवेलेंट सर्किट से इनको डिराइव कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू रिमेंबर दिस इक्वेशंस. ओके, तो
हमने स्टार्ट किया था सेकेंडरी साइड से। सेकेंडरी साइड में हमने देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई टू, दैट शुड बी सच दैट इट शुड बी एबल टू ओवरकम द ड्रॉप्स कॉज्ड बाय द रेसिस्टेंस यानी आई टू आर टू, द रिएक्टेंस यानी आई टू इन टू एक्स टू मल्टीप्लाइड विद जे, और लोड वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, वी टू मिलेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारे लिए क्या है, प्राइमरी साइड की इक्वेशन है। वहां पर यह है कि जो सप्लाइड वोल्टेज होगा वो इतना होना चाहिए कि इट शुड फीड ऑल द कंपोनेंट्स, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग के कारण, प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है लीकेज रिएक्टेंस के कारण, राइट। I1 जो होगा वो हमें मालूम है, I1 जो है वो नेट करंट है, विच इज अ सम ऑफ द नो लोड करंट, यानी सेकेंडरी साइड में अगर कोई करंट नहीं होता तो प्राइमरी साइड का जो करंट होता है उसे हम नो लोड करंट कहते हैं। तो दिस इज I0 प्लस I1 डैश। I1 डैश हमें मालूम है, I1 डैश हमने MMF से कैलकुलेट किया था। सो I1 डैश इज इक्वल टू माइनस N2 by N1 टाइम्स I1, सॉरी I2। और I0 भी हमें मालूम है, I0 इज इक्वल टू IC+IM। सो दीज आर द फाइव इक्वेशंस जिनकी हेल्प से हम फेजर डायग्राम बनाएंगे एक नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर का विद अ लोड, राइट। तो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं हाउ टू मेक दैट फेजर डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तभी हम इसको लॉजिकली ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो लोड है दैट इज एन इंडक्टिव लोड, राइट। सो आई एम ड्रॉइंग फेजर डायग्राम फॉर दिस नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर विद इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड का मतलब है कि लोड जो है वो RL टाइप का है, विच मीन्स दैट द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। प्योर इंडक्टर नहीं है इसलिए जो एंगल है लैग का दैट इज नॉट 90 डिग्रीज, राइट। तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं, सबसे पहले हम चार क्वाड्रेंट्स बनाए। आई हैव मेड द फोर क्वाड्रेंट्स हियर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम मार्क कर दें, दिस इज ओमेगा। और जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद द म्यूचुअल फ्लक्स एज द रेफरेंस, यानी कि म्यूचुअल फ्लक्स को मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनाया, दिस इज φm। इस म्यूचुअल फ्लक्स का जो कॉज था दैट वॉज द नो लोड करंट, राइट। और क्योंकि ये नॉन आइडियल केस है तो नो लोड करंट इज लीडिंग द फ्लक्स। सो आई हैव ड्रॉन हियर द नो लोड करंट आई नॉट, और इनके बीच का जो एंगल है उसे हम हिस्टेरिक एंगल कहते हैं। इसके बाद मैंने इसका जो इफेक्ट हुआ म्यूचुअल फ्लक्स का, प्राइमरी साइड में एक ईएमएफ बना जिसको हमने कहा कैपिटल E1 बार, और इसी नेगेटिव वाई एक्सिस में E2 बार भी आएगा, लेकिन E2 बार को बनाने के लिए अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तीन क्वांटिटीज बनाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें लोड के हिसाब से अब सेकेंडरी साइड के फेजर्स बनाने चाहिए। इसका मतलब जो लोड वोल्टेज है V2 उसको मैं थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी एक आर्बिट्रेरी पोजीशन में बना रहा हूं। ये वाला जो फेजर है आई एम कॉलिंग इट V2, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहां पर चलना है कि नेचर ऑफ द लोड कैसा है। नेचर ऑफ द लोड है इंडक्टिव। अगर लोड इंडक्टिव है मतलब कि जो करंट है I2 दैट शुड लैग बिहाइंड द वोल्टेज, राइट। तो मैंने उसको एक और फिर आर्बिट्रेरी लैगिंग एंगल पर यहां पर बना दिया, दिस इज करंट I2, ठीक है। तो मैंने V2 और I2 बनाए, दोनों को मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया। उनका जो रिलेशनशिप है वो मुझे मालूम चला स्टेटमेंट से कि हमें जो फेजर डायग्राम बनाना है उसको इंडक्टिव लोड के लिए बनाना है। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे।
इक्वेशन नंबर वन सेज दैट ई टू इज इक्वल टू वी टू, वी टू हमें दिख रहा है यहां पर, प्लस आई टू आर टू. आई टू आर टू जो होगा, आई टू की डायरेक्शन हमें मालूम है यहां पर, है ना, हमने ये बनाया है इस तरह की डायरेक्शन है इस फेजर की. आर टू यहां पर एक कॉन्स्टेंट है, यानी ये जो नया फेजर हमें मिलेगा आई टू इंटू आर टू विच विल बी ए वोल्टेज काइंड ऑफ फेजर, इसकी भी डायरेक्शन सेम होगी और इसको हमें किसमें ऐड करना है, V2 में. इसलिए मैं क्या करूंगा, V2 का जो एरो हेड है वहां से एक लाइन, ऐसी एक सपोर्टिंग लाइन में बना रहा हूं विच इज पैरेलल टू I2, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में मैंने एक फेजर बना दिया और इस फेजर को मैंने कहा I2 टाइम्स R2. मैंने I2 के पैरेलल एक फेजर बनाया है एट द एरोहेड ऑफ V2, क्योंकि हमें ऐड करना था, है ना, ट्रायंगुलर लॉ हमें मालूम है, तो हमने ऐड करना था, तो इसके एरोहेड पर मैंने बनाया और इस फेजर को मैंने कहा I2 R2 प्लस इसमें क्या ऐड होगा I2 into X2, लेकिन वो J के साथ मल्टीप्लाई होके, तो I2 की जो डायरेक्शन होगी I2 X2 की डायरेक्शन भी वही होगी क्योंकि X2 इज अ कांस्टेंट, लेकिन उसमें इस फेजर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, J मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें मालूम है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में J मल्टीप्लाई होता है तो वो 90 डिग्री शिफ्ट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसका मतलब ये जो फेजर है पूरा J टाइम्स I2 X2, इसकी डायरेक्शन होगी I2 से 90 डिग्रीज पर, है ना, I2 की डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी मार्क करी थी, तो इसके 90 डिग्रीज पर मैंने एक और सपोर्ट लाइन बना दी और जो I2 X2 होगा वो इसी I2 X2 मल्टीप्लाइड विद J जो होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा, राइट, क्योंकि 90 डिग्रीज पर होना चाहिए I2 से, तो मैं उसको इसी लाइन के अलोंग बनाऊंगा. लेकिन हमें यह भी मालूम है कि E2 जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में आएगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको जब मैंने बनाया तो पूरा नेगेटिव वाई एक्सिस पर जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वहां तक मैं ले गया और इसको मैंने कहा I2 X2 मल्टीप्लाइड विद J, राइट. तो अब देखो यहां पर V2 में हमने ऐड किया I2 R2 और उसमें हमने ऐड किया J I2 X2, तो तीनों का जो एडिशन होगा, यानी कि सबसे पहले फेजर का टेल और सबसे आखिरी फेजर का हेड है, इनको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो जो नया फेजर हमें मिल रहा है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा और इसको हमें क्या कहना है, इसे हमें कहना है E2. So V2 plus I2 R2 plus J I2 X2 is equal to E2. तो इस तरह से हमने सेकेंडरी साइड के फेजर बना लिए, राइट. सो लेट अस से दैट दिस एंगल बिटवीन देम इज phi 2, पावर फैक्टर एंगल सेकेंडरी साइड का. अब हम आते हैं प्राइमरी साइड के लिए. प्राइमरी साइड में हम देखें, हमें यहां पर V1 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमें चाहिए माइनस E1. E1 हमें मालूम था, माइनस E1 जो होगा वो उसका इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो E1 जो था वो नेगेटिव Y एक्सिस में था, तो माइनस E1 जो होगा वो पॉजिटिव Y एक्सिस में होगा, ठीक है, ये हो गया. सो द इक्वेशन इज V1 इज इक्वल टू माइनस E1 प्लस, अब इसमें हमें इसमें क्या ऐड करना है, I1 into R1, और फिर उसमें क्या ऐड करना है, I1 into X1 multiplied with J. लेकिन अभी हमारे पास I1 है ही नहीं यहां पर फेजर डायग्राम में, तो सबसे पहले हमें I1 लाना पड़ेगा. I1 कहां से आएगा, I1 इस इक्वेशन से आएगा, I1 is equal to I0 plus I1 dash. तो यहां पर I0 तो है बट I1 dash नहीं है, इसका मतलब हमें पहले I1 dash लाना पड़ेगा. I1 dash के लिए ये वाली इक्वेशन है, I1 dash is dependent on I2, राइट. तो सबसे पहले हम I1 डैश को ड्रॉ करते हैं यहां पर. सो दिस I1 डैश इज इक्वल टू माइनस N2 बाय N1 इनटू I2. माइनस साइन आ गया, यानी कि I2 में जो हमने डायरेक्शन बनाई थी वहीं से मैंने सपोर्ट लाइन इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसके अपोजिट साइड में फेजर मुझे बनाना है, राइट, क्योंकि माइनस ऑफ I2 है ये, और जो रेशियो है दैट इज N2 बाय N1, इसको हम मान लेते हैं कि N2 is greater than N1, तो हमने क्या किया, I2 जो फेजर था उससे थोड़ा सा बड़ा एक फेजर बनाया उसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में. सो दिस फेजर विल बी नोन एज I1 डैश.
राइट। सो आई वन डैश हमने इस इक्वेशन से बनाया, माइनस एन टू बाई एन वन इन टू आई टू। जब एक बार ये बन गया तो तब हम इजिली वी कैन ड्रॉ आई वन। आई वन क्या होगा, आई नॉट प्लस आई वन डैश। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, सो दिस आई नॉट फेजर इज लाइक दिस। इसके पैरेलल मैंने यहां से लाइन खींची और तो ये एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया, और इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो ये जो नया फेजर बना, दिस इज आई वन। आई वन इज द सम ऑफ आई नॉट एंड आई वन डैश। एक बार आई वन हमें मिल गया तो हमारा सारा मैटर जो है वो अब यहां पर रिजॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू एड आई वन इन टू आर वन इन टू टू माइनस ई वन, राइट। सो अब हमने क्या किया, आई वन के पैरेलल यहां पर एक लाइन खींच दी। आई वन के पैरेलल क्यों खींची, क्योंकि माइनस ई वन में मुझे क्या ऐड करना है, आई वन आर वन। सो ये वाला मैंने एक फेजर बना दिया, आई कॉल इट आई वन आर वन। अब इसी में मुझे एक और फेजर ऐड करना है, आई वन एक्स वन जे के साथ। अब वो जे के साथ है, इसका मतलब 90 डिग्रीज पर बनेगा, ये 90 डिग्रीज पर आएगा, राइट। सो मैंने एक और फेजर बना दिया, आई कॉल इट आई वन एक्स वन मल्टीप्लाइड विद जे। अब इन तीनों का जो सम है, माइनस ई वन आई वन आर वन और जे आई एक्स वन जे आई वन एक्स वन, इनका जो सम है दैट इज इक्वल टू वी वन, राइट। तो हम कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले फेजर की टेल यानी माइनस ई वन की टेल और सबसे आखिरी फेजर का हेड यानी जे आई वन एक्स वन का हेड, उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमें इनका सम मिल जाएगा। नॉर्मली आप ध्यान रखें कि जो वी वन है दैट शुड कम इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। सो मैंने इनको ऐड कर दिया और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे दिख रहा है। सो दिस, ये जो ब्लैक कलर का मैंने फेजर बनाया है, दिस इज इक्वल टू वी वन। सो एंगल बिटवीन वी वन एंड आई वन, प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर एंगल, आई एम कॉलिंग इट फाई वन। तो ये जो मैंने डायग्राम यहां पर बनाया है, दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ अ सिंगल फेज नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर विद एन इंडक्टिव लोड। दिस डायग्राम इज बेस्ड ऑन द इक्वेशंस व्हिच आर रिटन ऑन योर लेफ्ट, और ये इक्वेशंस जो हैं, दे आर बेस्ड ऑन दिस सर्किट डायग्राम, और ये जो सर्किट डायग्राम है इट इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ अ नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, राइट। So let us draw this phasor diagram for a capacitive load. बिल्कुल यही procedure हम follow करते हैं, phasor diagram for capacitive load. Capacitive load का मतलब क्या है, capacitive load का मतलब है कि जो load current है यानी I2, it leads the load voltage यानी कि V2. Once again, जो हम ये फेजर डायग्राम बनाएंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन द इक्वेशंस, राइट। सो आई एम राइटिंग दोज इक्वेशंस, ई टू इज इक्वल टू वी टू प्लस आई टू आर टू प्लस जे आई टू एक्स टू, सेकेंडरी साइड के लिए। प्राइमरी साइड के लिए वी वन इज इक्वल टू माइनस ई वन प्लस आई वन आर वन प्लस जे आई वन एक्स वन। I1 जो है that is equal to I0 plus I1 dash, और I1 dash जो है that is equal to minus N2 by N1 multiplied with I2। बस इनकी बेसिस पर हम ये फेजर डायग्राम बना रहे हैं। सो सबसे पहले हम चार क्वाड्रेंट्स बनाए, उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी मार्क कर लें, फिर सबसे पहले म्यूचुअल फ्लक्स जो है वो फेजर बनाए इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा रेफरेंस फेजर है फाइव बार फाइव एम बार। इसका जो कॉज है वो नो लोड करंट है, नॉन आइडियल कंडीशन है, तो नो लोड करंट जो है दैट इज लीडिंग द फ्लक्स। सो दिस करंट इज आई नॉट, एंगल बिटवीन देम इज हिस्टेरिक एंगल। इसको आप रिजोल्व करके आईसी और आई एम भी दिखा सकते हो, बट
दैट इज नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड. इसके बाद हम ई1 बनाएंगे. ई1 इज अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, सो दिस इज ई1 बार. अब ये तीन बनाने के बाद जो लोड कंडीशंस हमें बताई गई हैं उसके हिसाब से हम V2 और I2 बनाएंगे. तो सबसे पहले हम V2 बनाएंगे, उसको हम एक थर्ड क्वाड्रेंट में विल ड्रॉ V2. सो आई टेक दिस फेजर एज V2. कैपेसिटिव लोड है, करंट लीड कर रहा है, तो मैंने यहां पर एक करंट बना दिया. दिस इज I2. नाउ दिस इज लीडिंग. ठीक है, अब हम सेकेंडरी साइड क्या बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है यानी कि E2 वो बना लेते हैं. E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R2. तो ये I2 की डायरेक्शन हमें मालूम है, ये है. तो इसके अलोंग मैंने एक सपोर्ट लाइन बना दी और यहां पर एक फेजर बना दिया. आई कॉल इट I2 R2. दूसरा फेजर है J I2 X2. J है मतलब कि ये 90 degrees पर है. सो I2 के साथ 90 degrees पर मैंने एक सपोर्ट लाइन बनाई और उसको मैंने नेगेटिव वाई एक्सिस तक ले गया, क्योंकि इनका जो सम होगा E2 दैट हैज टू बी अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस. सो मैंने इनको यहां पर एक और फेजर बना दिया. आई कॉल इट I2 X2 मल्टीप्लाइड विद J. ये 90 degrees पर है. ठीक है, तो इन तीनों का सम यानी फर्स्ट फेजर का टेल और आखिरी फेजर का हेड. तो हमारे लिए यहां पर फर्स्ट फेजर था V2, इसका टेल, राइट, और आखिरी फेजर था I2 X2 J, इसका हेड यानी ये वाला पॉइंट. इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया. सो दिस फेजर इज E2 बार एंड इट इज अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस. तो इस तरह हमने सेकेंडरी साइड की क्वांटिटीज बना ली. अब हम प्राइमरी साइड की क्वांटिटीज में आते हैं. हमें I0 दिख रहा है वहां पर. सबसे पहले हमें -E1 चाहिए एज पर दिस इक्वेशन. तो E1 वॉज ऑलरेडी देयर, सो -E1 विल बी अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस. दिस इज -E1. इसमें हमें ऐड करना है I1 R1. I1 नहीं है यहां पर, तो सबसे पहले हमें I1 बनाना है. तो I1 के लिए हमने देखा कि इट इज द सम ऑफ I0 एंड I1 डैश, एंड I1 डैश इज माइनस I2 into N2 by N1. तो यानी कि सबसे पहले तो हम I2 के अपोजिट एक फेजर बनाएंगे और उसकी लेंथ हम I2 से थोड़ी ज्यादा ले ले रहे हैं, assuming that ये N2 is greater than N1. So this फेजर is I1 dash. This is equal to minus N2 by N1 into I2. फिर हम I1 dash में ऐड कर देंगे I0, तब हमें मिलेगा I1, right? तो अगेन हम यहां पर एक पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से एक सपोर्ट लाइंस मैंने बनाई और ये जो रिजल्टेंट फेजर है यानी दिस डायगोनल, दिस इज इक्वल टू I1. एक बार हमें I1 मिल गया तो हम V1 को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे? -E1 में हम ऐड करें I1 इंटू R1. तो ये I1 के पैरेलल एक लाइन और यहां पर मैंने बना दिया I1 into R1. उसके बाद इस I1 R1 में हमें ऐड करना है I1 into JX1. J है मतलब कि this it will be 90 degrees at 90 degrees angle with the direction of I1. और मैंने आपसे ये भी कहा कि V1 जो है वो second quadrant में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से length ले लिया J I1 X1 का, ताकि ये हमें सेकेंड क्वाड्रेंट तक ले जाए V1 को. तो इनका जो सम है -E1, I1 R1 और J I1 X1, दैट सम इज इक्वल टू V1. सो सबसे पहले वाले फेजर का टेल, राइट, यानी कि -E1 का टेल, ये हमारे ओरिजिन पर है. फाइनल फेजर का हेड यानी J I1 X1 का हेड यानी ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हमने जोड़ देना है. इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया और ये जो नया फेजर बना दिस इज इक्वल टू V1 बार. तो सारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की क्वांटिटीज थी उनको हमने इंक्लूड कर लिया है इस फेजर डायग्राम, राइट. तो देखने में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, जब हमें डायग्राम बना हुआ दिख रहा है तब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर हम लॉजिकल प्रोसेस से चलेंगे तो मेकिंग दिस डायग्राम विल बी वेरी इजी.